नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा शहर में कुत्ते की रहस्यमयी मौत के चारों ओर उत्तेजना। आज हम आपको रीवा शहर की एक घटना के बारे में बताएंगे जिसमें एक कुत्ते की मौत से हड़कंप मच गया है। यह मामला शहर के लोगों के बीच बहस का विषय बन चुका है और स्थानीय प्राधिकृतियों और चिकित्सकों के बीच एक बड़ा विवाद है। 15 सितंबर को शहर के प्रोमिनेंट वेटरनरी हॉस्पिटल में एक घातक घटना घटी जिसमें एक पामेरियन ब्रीड के कुत्ते की मौत हो गई। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग इस मामले को लेकर आवाज उठाने लगे हैं। घटना के बाद कुत्ते के मालिक और उसके परिवार के लोगों ने खत्म हुए पशु के शव को न दफनाने की इच्छा जताई, लेकिन इस पर प्रोमिनेंट वेटरनरी हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि कुत्ते की मौत एक रोग से हुई है और शव को दफन कर दिया। इसके बाद कुत्ते के मालिक और उसके परिवार ने पुलिस को सूचना दी और वे मांग कर रहे हैं कि कुत्ते की मौत के पीछे की यह बड़ी रहस्यमय घटना की जाँच हो। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने कुत्ते के शव की खुदाई के लिए अनुमति दी और जाँच की शुरुआत की। कुत्ते के शव की जाँच में खून की कमी नहीं मिली, जिसके परिणाम स्वरूप परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके बाद परिजनों ने कुत्ते के मालिक के साथ मिलकर पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज की और उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। आधिकारिक तौर पर पुलिस ने एक जांच टीम गठित की है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के इंतजार में। ये रिपोर्ट उसके बाद होने वाली कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। इस पूरे मामले के चारों ओर गर्मी है और लोगों के बीच विभिन्न राय है। कुछ लोग इसे घातक रोग के कारण हुई मौत के रूप में देख रहे हैं, जबकि दूसरों का मानना है कि कुत्ते की मौत का कारण कुछ और है। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि कुत्ते की मौत पर अधिवक्ता के सिंह शिकायत लेकर आए हैं। उन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीएम करा दिया गया है, अब पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद आगे एक्शन लिया जाएगा। इधर कुत्ते की मौत पर मच्छे बवाल को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दावा किया जा रहा है कि अधिवक्ता पत्नी को कई वर्षों पहले 14 अप्रैल को जन्मदिन के उपलक्ष्य में बेटी ने गिफ्ट में दिया था। आखिरकार जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी और ये मामला न्यायिक दृष्टि से समाधान पाएगा। हम आपको इसके विकसन की नई जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।